तो सिंपली कैसे यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। तो कैसे अगर आपके पास सैमसंग का M12 मोबाइल है और कैसे यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसे यहाँ पर इस प्रॉब्लम को 100% फिक्स करना। तो कैसे यहाँ पर किसी किसी भाई का सवाल है, न्यू अपडेट आने के बाद हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक हीट हो रहा है, किसी भाई का सवाल है गेमिंग करते टाइम हीट हो रहा है, किसी भाई का सवाल हो सकता है हमारा मोबाइल चार्जिंग करते टाइम ओवर हीट हो जाता है। तो कैसे यहाँ पर आपका मोबाइल कैसे भी हीट हो रहा हो, किसी भाई का सवाल है नॉर्मली टाइम हीट होता है, हम यूज नहीं करते हैं फिर भी ओवर हीट हो जाता है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को 100% फिक्स करना। तो कैसे यहाँ पर आपको वीडियो को सोच लेकर एंड तक वॉच करना, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना और आपके डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी। सबसे पहले तो कैसे यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे कैसे यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को नीचे करो, कैसे यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और लोकेशन ये तीन चीज़ ऑन रहती हैं कि ऑफ रहती हैं, क्योंकि कैसे यहाँ पर ये आपके बैकग्राउंड में रन करते हैं जिसकी वजह से आपके डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम होने लगती है। एंड कैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये कभी कभी ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं, जैसे आप किसी चीज़ की परमिशन देते हो तो आपका लोकेशन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, ऐसे आपका वाईफाई, ब्लूटूथ भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और आपके बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं जिसकी वजह से आपके डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम होने लगती है। एंड कैसे यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को ऑन करके रखते हैं, तो कैसे यहाँ पर ये भी गलती आपको नहीं करनी है, हमेशा आपको अपने मोबाइल के डाटा को ऑफ करके ही रखना है। तो कैसे यहाँ पर इससे क्या होता है, आपका मोबाइल एक तरह से ऑनलाइन रहता है, नोटिफिकेशन वगैरह हर टाइम आते रहते हैं जिसकी वजह से आपके डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम होने लगती है और आपका बैटरी बैकअप भी खराब हो जाता है। सबसे पहली बात तो कैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, किसी किसी भाई का सवाल होता है हमारा मोबाइल चार्जिंग करते टाइम हीट होता है, तो आप जब भी अपने मोबाइल को चार्ज करते हो आपको सिंपली रीसेंट मेनू पर क्लिक करना है और जो भी चीज़ें आपने दिन भर से यूज की हैं उसे आपको सबसे पहले यहाँ से क्लोज ऑल कर देना है, तभी आपको अपने मोबाइल को चार्ज पर लगाना है। इससे कैसे यहाँ पर आपके डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको लगता है आपके डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है, सिंपली आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है और आपके डिवाइस में एक ऑप्शन मिलता है फ्लाइट मोड का, इसे आपको ऑन कर देना है। जैसे आप इसे ऑन कर दोगे ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस में यहाँ पर हीटिंग प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, आपका मोबाइल चार्जिंग करते टाइम हीट नहीं होगा। इस सेटिंग को आपको फॉलो करना है। एंड कैसे यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं चार्जिंग करते टाइम, अपने मोबाइल में गेम खेलते हैं, कुछ लोग यहाँ पर कॉलिंग करने लगते हैं, कुछ लोग कैसे यहाँ पर मोबाइल को यूज करने लगते हैं चार्जिंग लगा के। तो कैसे यहाँ पर ये गलती आपको कभी नहीं करनी, इससे आपका बैटरी बैकअप खराब हो जाएगा और आपकी बैटरी फालतू में हीट होगी। तो हमेशा आप जब भी अपने मोबाइल को यूज करते हो तो चार्जिंग से बाहर निकल के मोबाइल को यूज करना है, चार्जिंग लगाते समय मोबाइल को यूज बिल्कुल नहीं करना है, इससे आपके डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सिंपली कैसे यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग में। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग में आओगे आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। तो कैसे यहाँ पर बहुत बड़े तो कैसे यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल को कभी भी अपडेट नहीं करते हैं। तो कैसे यहाँ पर ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको हर मंथ में लगभग हर दो मंथ में एक यहाँ पर अपडेट मिल जाता है जिसे हम बोलते हैं एक सिक्योरिटी पैच अपडेट। तो सैमसंग के सभी डिवाइस में लगभग हर दो मंथ में अपडेट आ जाता है, तो हमेशा अपने डिवाइस को अपडेट करते रहना है। ये क्या करता है, किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमारे डिवाइस में अपडेट आने से हमारा मोबाइल में हीटिंग प्रॉब्लम हुई है, बट कैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अपडेट के साथ साथ कभी कभी बग आ जाते हैं जिसकी वजह से आपके डिवाइस में काफ़ी सारे इशू आ जाते हैं, बट नेक्स्ट अपडेट में वो इशू फिक्स हो जाते हैं। तो हमेशा आपको अपडेट करते रहना, इससे आपका जो UI है और आपका जो बैटरी है वो ऑप्टिमाइज होता रहता है और आपका बैटरी फिर हीट नहीं होता है। तो आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और हमेशा आपको अपने मोबाइल को लेटेस्ट अपडेट पर रखना है। अब सिंपली आपको आ जाना बैक। जैसे कि यहाँ पर बैक आपको किसी किसी भाई का सवाल होता है हमारे मोबाइल में गेमिंग करते टाइम हीट होता है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको उस गेम पर क्लिक करना है। जैसे आप गेम पर क्लिक करोगे, मान लो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी का, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको वैसे ऑप्टिमाइज पर सिलेक्ट होकर आपको रिस्ट्रैक कर देना है। जैसे आप रिस्ट्रैक कर दोगे अब आपके बैकग्राउंड में रन करना बंद कर देगा वो एप्लीकेशन, फालतू में आपका डिवाइस हीट नहीं होगा। एंड कैसे यहाँ पर किसी किसी भाई का सवाल होता है हमारा मोबाइल ऑटोमेटिकली हीट होने लगता है, मोबाइल को यूज नहीं करते हैं, तो कैसे यहाँ पर सारे एप्लीकेशन आपको क्लिक करना है, एक एक करके ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है। जैसे आप ऐप इन्फॉर्मेशन में जाओगे आपको बैटरी पर क्लिक करना है और सभी एप्लीकेशन को वैसे आपका ऑप्टिमाइज पर सिलेक्ट होंगे सभी आपको रिस्ट्रैक कर देना है, ऑप्टिमाइज की जगह रिस्ट्रैक कर देना है। जैसे कैसे यहाँ पर रिस्ट्रैक कर दोगे अब आपके एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपका मोबाइल चार्जिंग करते टाइम हीट नहीं होगा और ना ही गेमिंग करते टाइम हीट होगा और ना ही नॉर्मली टाइम हीट होगा। तो आपको इस सेटिंग को ऑन कर देना है। एंड कैसे यहाँ पर किसी किसी भाई का सवाल होता है कि हमारा मोबाइल कैमरा यूज करते टाइम या कोई भी एप्लीकेशन यूज करते टाइम हीट होता है, तो सिंपली आपको ऐप इन्फॉर्मेशन में आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज का, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको क्लियर डाटा कर देना है। जैसे कैसे यहाँ पर क्लियर डाटा कर दोगे आपका जो भी एप्लीकेशन है वो एक तरह से बैकग्राउंड में क्लीन हो जाएगा, आपका जो बैकग्राउंड का UI है वो भी क्लीन हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन एक तरह से रिफ्रेश हो जाएगा, उस एप्लीकेशन की वजह से आपके डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, कैमरा एप्लीकेशन, कॉलिंग एप्लीकेशन कोई भी हो सकता है या गेमिंग वाला एप्लीकेशन, तो आपको एक बार यहाँ पर क्लियर डाटा कर देना है। आप जैसे क्लियर डाटा करोगे सिंपली आपको आ जाना बैक। तो कैसे यहाँ पर ये थी सेटिंग, इस सेटिंग को आपको फॉलो करना और आपके डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी। एंड कैसे यहाँ पर एक और एडवाइस दूंगा आपको मैं, कैसे यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो अपने मोबाइल पर हैवी लोड डालते हैं जैसे कि गेमिंग वगैरह करते हैं और अपने मोबाइल को आके तुरंत ही चार्ज पर लगा देते हैं। इस कंडीशन में कैसे यहाँ पर आपका डिवाइस ओवर हीट होने के बाद आपकी जो बैटरी बैकअप है वो भी खराब हो जाएगा और आपका बैटरी फट सकता है। तो कैसे यहाँ पर कभी भी ये गलती आपको नहीं करनी है, जब भी आप गेमिंग वगैरह करते हो तुरंत ही आपको अपने मोबाइल को चार्ज पर नहीं लगाना है, इससे आपका डिवाइस ओवर हीट हो जाता है। तो हमेशा आपको मोबाइल को 5 से 10 मिनट का रखे रहना है, जब बैटरी का टेम्परेचर कम हो जाए तभी आपको अपने मोबाइल को चार्ज पर लगाना है। तो कैसे यहाँ पर ये थी सेटिंग, इस सेटिंग को आपको फॉलो करना है। तो कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आई हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना ही।